Good morning, children. Welcome back to study online after the exams <laughs> and winter vacations. Hope you all are relaxed and refreshed to start the new coming up syllabus. Isn't it? So we will start the new fresh lesson from Rimchim Patipustak, Page number 66. And the lesson is Makari Kakari Lakari. have apni hai na. स्पाइडर की तरह होती है इसको मकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्पाइडर कहते हैं और इसके कितने लेग्स होते हैं एट लेग्स और ये कैसा जाल बनाती है ना ऐसे? अः ये होती है मकड़ी देखो इसकी पिक्चर बनी हुई है और ककड़ी क्या होती है ककड़ी हम खाते हैं है ना सैलेड में खाते हैं सलाद में और लकड़ी जो पेड़ से मिलती है जिसका फर्नीचर बनता है तो यहां पर बात हो रही है मकड़ी की ककड़ी की और लकड़ी की देखे क्या है इस कविता में हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक बच्चा अपने दादा को कह रहा है हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक डाल पर थी एक मकड़ी एक मतलब एक एक डाल पर थी एक मकड़ी लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी नेक्स्ट पेज हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक खेत में थी कुछ बालू बालू देखिए ना रेत एक खेत में थी कुछ बालू बालू पर बैठा था भालू भालू खा रहा था आलू ये तो सब टंग ट्विस्टर है सेम राइमिंग राइमिंग वर्ड्स है ना सेम साउंड वाले वर्ड्स एक खेत में थी कुछ बालू बालू पर बैठा था भालू भालू खा रहा था आलू बालू भालू आलू भालू आलू बालू आलू बालू भालू ये टंग ट्विस्टर है डिफिकल्ट होता है ना ऐसे बोलना आप भी ट्राई करो बालू भालू आलू भालू आलू बालू आलू, आलू बालू भालू दिस वॉज द लेसन अब हम इसमें क्या करेंगे इसको एक बार और रीड करेंगे ठीक है मकड़ी ककड़ी लकड़ी हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक टाल पर थी एक मकड़ी एक मीन्स एक लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी लकड़ी मकड़ी ककड़ी मकड़ी ककड़ी लकड़ी ककड़ी लकड़ी मकड़ी हमने तीन चीजें देखी दादा तीन चीजें देखी एक खेत में थी कुछ बालू बालू पर बैठा था भालू भालू खा रहा था आलू बालू भालू आलू, आलू। भालू आलू बालू आलू बालू भालू ये सब टंग इसको हम अच्छे से रीड करेंगे एक बार करेंगे दो बार करेंगे तीन बार करेंगे जितनी बार आप इसको रीडिंग कर सकते हो आप करोगे ठीक है ये आपका होमवर्क है असाइनमेंट है इसके बाद अब आप डिफिकल्ट वर्ड यानी कि कठिन शब्दों का लिखने का अभ्यास करोगे कैसे करोगे वो मैम आपको बताएंगी ठीक है इसी चैप्टर में से इसी लेसन में से हम डिफिकल्ट वर्ड्स निकालेंगे अब सबसे पहले हमने निकाला तीन तीन कैसे लिखेंगे पहले हम साउंड पकड़ेंगे या आप कॉपी में करोगे ठीक है हिंदी की कॉपी में ता में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो ती बन गया और ना तीन था में बड़ी की मात्रा तीन तीन उसके बाद हम वर्ड लेंगे दादा दादा दा खाली द नहीं है ये दादा तो हम क्या लेंगे दामे आ की मात्रा और फिर दामे आ की मात्रा दो बार हम दामे आ की मात्रा दामे आ की मात्रा लिखेंगे दादा उसके बाद हम लेंगे डाल खाली डा आएगा डाल में नहीं डा की साउंड आ रही है तो हम डा में आ की मात्रा लगा देंगे डा दाल इसके बाद हम लेंगे वर्ड मकड़ी मक मक ये वाला और इसमें ई की मात्रा डी मकड़ी मकड़ी इसके बाद हम लेंगे ककड़ी का, का कक का, का का कक हो गया फिर डा में बड़ी की मात्रा डी ककड़ी मकड़ी हो गया ककड़ी हो गया अब आएगा लकड़ी ल का लक रामे बड़ी ई की मात्राडी लकड़ी सबके पीछे री रीडी डी 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 आ रहा है ना सेम साउंड वर्ड्स है इनको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं मकड़ी ककड़ी लकड़ी मक में मका आ जाएगा कक में कका आ जाएगा और लक में लका आ जाएगा ठीक है और पीछे सबके रीडी आ, अक्षर लिखा जाएगा ठीक है मकड़ी ककड़ी लकड़ी अब इसके बाद हम लेंगे खेत खा, खे की साउंड आ रही है तो हम क्या करेंगे कौन सी मात्रा लगेगी खे जब मैंने बताया था आपको एक की साउंड आएगी तो हम हेड पर से एक मात्रा लगाएंगे ये हो गया खे फिर आ गया त खेत 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 इसके बाद हम लेंगे शब्द बालू तो इसमें हम खाली बा लिखेंगे बा बा, बा में आ की साउंड आ रही है लू ला में बड़े उ की साउंड आ रही है बा ये हो गया बा और फिर इसके पीछे लगा दिया लू बालू इसके बाद आएगा आलू आ कौन सा आ है छोटा या बड़ा आ बड़ा आ लू ला में कौन सी मात्रा लगेगी बड़े बालू, आलू, अब आएगा भालू। भा खाली होगा नहीं भा बड़ा साउंड आ रहा है तो भा में आ की मात्रा लग गई लू ला में बड़े की मात्रा भालू ठीक है आप ये टेन वर्ड्स कठिन वर्ड्स आप लिखोगे और डेट लिखोगे ट्वेंटी एट ट्वेल्व ट्वेंटी और इसको आप फेयर कॉपी में तो लिखोगे टेन वर्ड्स उसके बाद आप रफ कॉपी में बार बार लिखोगे और आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे आपको इमला देंगे इमला मीन्स वॉट इज इमला डिक्टेशन वो आपको ये वाले वर्ड्स बोलेंगे और आप इसको अपनी रफ कॉपी में रफ रजिस्टर में लिखोगे ठीक है मैम एक बार फिर से रीड कर रही है तीन दादा दाल मकड़ी ककड़ी लकड़ी खेत बालू आलू भालू ठीक है आप लिखेंगे और इसके बाद बार बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी मात्रा किस शब्द में लगाई जाती है ठीक है वी विल मीट इन द नेक्स्ट हिंदी क्लास विद मोर कॉपी वर्क एंड अभ्यास पुस्तिका वर्क ओके बाय बाय